राजीव रंजन, कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो बेगूसराय में उनके चुनाव का प्रदर्शन बेहद दयनीय रहा, 4 लाख से ज्यादा का मतों का अंतर था उनके और गिरिराज जी के वोट, तो ये मुकाबला तो बिल्कुल एक तरफा था। अगर कोई संसदीय चुनाव 4 लाख वोटों से ज्यादा बड़े अंतर से कहीं किसी की पराजय हो रही, उसके बाद उसे कड़े मुकाबले में बताया जाना, ये हास्यास्पद है। पहली बात। दूसरी बात, कन्हैया कुमार के लिए दिल्ली के मतदाता दूसरी प्राथमिकता के मतदाता है। वो इस बार भी बेगूसराय लड़ना चाहते थे, आरजेडी ने उनको रिजेक्ट किया, लेफ्ट ने उनको रिजेक्ट किया। बिहार में आरजेडी ने मन बना लिया था कन्हैया कुमार को नहीं लड़ने देंगे, और लेफ्ट की भी अपनी ओर से कोशिश थी कि वो नहीं लड़े। तो इसलिए दिल्ली के मतदाताओं को यह तय करना है कि जो दिल्ली की जनता के लिए काम नहीं करता और जिसकी प्राथमिकता में वो निर्वाचन क्षेत्र नहीं था, कहीं से उनको रिजेक्ट करने के बाद अपनाना पड़ा उस क्षेत्र को, तो निसंदेह मतदाता जागरूक है और वो अपना फैसला सोच समझ करके लेंगे। अच्छा राजीव, तीसरी बात। जी राजीव जी, आपने बताया कि इनको यहां से लेफ्ट भी इस बार लड़ाना नहीं चाह रहा था, तेजस्वी जी भी नहीं चाह रहे थे, क्या वजह है थोड़ा हमको बताइए? आप तो वहां राजनीति पर पैनी पकड़ रखते हैं, आपको सब पता रहता है, क्या था मसला, क्या था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, पहले मैं एक दो बात और भी पहले बता दूं। दिल्ली के मतदाताओं को बहुत हल्के में कांग्रेस ने लिया। उदित राजजी भी पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में। कन्हैया कुमार भी लेफ्ट से कांग्रेस में आए। जो वहां पसीना बहाने वाले कार्यकर्ता, जो बराबर ये आरोप लगाते कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से नेताओं को तोड़ लिया, तो फलाने क्षेत्रीय दल से लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आपने तो दिल्ली में दो उम्मीदवार ऐसे दिए जिनका कांग्रेस के साथ कभी कोई रिश्ता था ही। फिर भी अब एक महत्वपूर्ण बात है जो आपने पूछा है, तो पिछली बार भी आरजेडी ने कैंडिडेट कन्हैया कुमार के खिलाफ तनवीर हसन को दिया। कन्हैया कुमार की राजनीति और तेजस्वी यादव का जो अपना खेल है, जिस तरह से इंडिया ब्लॉक के अंदर कई तरह की विसंगतियां हैं और जो क्षेत्रीय दलों के छत्रप हैं, वो उनके ईर्ष्या द्वेष की पराकाष्ठा है, वो किसी को भी बर्दाश्त करने के लिए बहुत आसानी से तैयार नहीं होते। तो कन्हैया कुमार को पहले ही दिन से तय था कि आज मनोज सिंह का ऑल राइट।